हाय गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक पुरानी घड़ी को एक नया लुक देंगे MDF बोर्ड की मदद से। मैंने यहाँ पे एक पुरानी घड़ी ले ली है, तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर का जो मशीन है उसको निकालना पड़ेगा। और आप चालू घड़ी लीजिए जिसका मशीन जो चालू है, तो सबसे पहले मैं इसको खोल के इसके अंदर का मशीन निकाल दूँगा। बाद में इसमें कुछ पीसेस कट कर दूँगा। मैं इसको सर्कल शेप में रखने वाला हूँ, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, अलग अलग शेप में रख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस अंदर का मशीन निकाल लिया है, देख सकते हैं इसके कांटे भी निकाल लिए। ये दूसरे कांटे हैं, मैंने दूसरे पुरानी घड़ी से निकाले। इसके जो कांटे थोड़े छोटे थे, थोड़े बड़े हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं जो घड़ी है वो सर्कल की शेप में ही बनाने वाला हूँ, और उसे ज़्यादा अलग डिज़ाइन नहीं करने वाला, सिंपल डिज़ाइन रखने वाला हूँ। आपके हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन में बना सकते हैं। और मैं इसमें कांच का इस्तेमाल नहीं करने वाला, मैं बिना कांच की घड़ी बना रहा हूँ। आप चाहे तो उसमें कांच लगा सकते हैं वही पुरानी घड़ी से निकाल के, या फिर एक्रेलिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके सर्कल पीसेस और पीछे जो ये लगने वाला है, इसके लिए मैं पीसेस कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये तैयार हो चुका है, ये फ्रेम भी छोड़ चुका है। ये परफेक्ट सर्कल में तो नहीं कटा है, पर ठीक है, आप कोई और शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी मैं इसे इधर बीच में मुझे एक शेप करना है, ताकि मैं इस मशीन को मैं फिट कर सकूं। और इस मशीन के सपोर्ट भी साइड में कुछ इसे चिपकाऊँगा, और उसी में मैं हुक मेरी भी होल शेप कर दूँगा, ताकि आप इसे दीवार से भी टंगा सको, या फिर आप इसे टेबल पर रखने वाला भी बना सकते हो। बट वो स्क्वायर शेप में आएंगे, तो सबसे पहले मैं इसको छेद करके लगा के बक्सा। आप देख सकते हैं ये सूख के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें नंबर के लिए चुका है, तो मैं नंबर की जगह इसे कुछ पत्तियाँ चुका रहा हूँ, जो मैं पहले से काट के तरफ की है। तो फिर इन पत्तियों को मैं ब्लैक कलर करूँगा, फिर बाद में इसे स्क्रू करके इसके जो कांटे हैं वो हम लगाएंगे। आप मैं इसे पहले ऐसे छोड़ा कलर भी कर सकते हैं अपने मनपसंद के हिसाब से, तो मैं इनको अपनी ब्लैक कलर कर लेता हूँ, फिर बाद में हम इन्हें चिपकाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग भी कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी घड़ी तैयार हो चुकी है, बस हमें इसमें एक सेल डालना बाकी है। और मैं यहाँ पे सेल भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी घड़ी चलने लग गई है, मैं पहले टाइम देख लेता हूँ। यहाँ पे 1:07 हुए, तो
उस हिसाब से टाइम को मैं सेट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी घड़ी अच्छे से चल रही है। आप भी इसे पुराने घड़ी को अच्छे से नया बना सकते हैं। मैंने इसको कलर नहीं किया है, आप कलर भी बना सकते हैं, अलग शेप में बना सकते हैं, अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ही रखा है। आप इसे टेबल पर रखने वाली क्लॉक बना सकते हैं या फिर वॉल क्लॉक बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।